आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा फिल्म बाला के लीड एक्टर एंड माय ब्रो आयुष्मान खुराना। यामी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। कुछ नहीं आप बताएं। उन्होंने कहा यामी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। यामी दिस इज द मोस्ट पंजाब नो दैट कंफर्म्स कि कपिल पंजाब से दैट्स द मोस्ट पंजाबी यामी yummy, yummy, yummy. Nobody believes it can actually be my yummy, just yummy. और किसी का नाम है भी नहीं पता yummy. भूमि भी मैंने किसी का नहीं सुना. ये बिल्कुल यूनिक नाम है. हम बहुत यूनिक यूनिक लड़कियां हैं. या आयुष्मान भी मैंने किसी का नहीं सुना. अरे बाजी अब हैं बच्चों के नाम है आयुष्मान काफी. मेरे बेटे का नाम आयुष्मान है. अब लोग रख रहे हैं. बाजी आप स्टार हो ना यार. रख रहे हैं जिंदगी तो खुराना साहब के बेटे की है। दो खूबसूरत टैलेंटेड हीरो हम तो यही करने आए हैं। हेलो एंड वेलकम। मैं चाहता हूं कि आप अपने कोई फनी किस्सा मजेदार एक्चुअली फनी बाद में लगता है फनी उस समय तो दुखी होता है इस चीज के लिए मना हो जाए कि शादी ना होने मतलब ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनमें शादी होने में दिक्कत आती है तो आप अपना अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। मेरा नाम सुकन्या सेन है मैं नवी मुंबई से हूँ। आजकल की जो मॉडर्न गर्ल्स हैं जो कि एम्पावर्ड हैं सेल्फ मेड हैं उनके लिए जो तीन चीज़ें मैटर करती हैं आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम पर मेरे हिसाब से पर्सनैलिटी कल्चर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है बैंक बैलेंस क्योंकि क्योंकि ऐसा है कि अगर द पर्सन इज़ बॉल्डिंग अगर वो बाल कम है तो मैं उसकी वीविंग करवा दूँगी और अगर उसका वेट ज़्यादा है तो मैं उसका पर्सनल ट्रेनर रखवा दूँगी तो दैट इज़ नॉट एन इशू पर मेरे नखरे कौन से हैगा तो उसके लिए बैंक बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड यू क्लियर्ड इट आउट यू नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द गर्ल्स वेरी स्केरी थॉट एंड अब कैसा है कि सब लड़के आयुष्मान जैसे तो आयुष्मान सर जैसे तो नहीं होते हैं फुल पैकेज सो यस व्हाट पैकेज जब मेरी शादी हुई थी मेरा बैंक बैलेंस भी नहीं था मेरी बीवी का बैंक बैलेंस मुझसे ज्यादा था उस टाइम पे तो हाँ मेरा ये था। नहीं नहीं सब लड़कियां ये ऐसा मत नहीं सुनना आप नहीं ना सोचती आपके पास तो हैं खुद ठीक है हरे की जो कभी कभी सोच भी लेता आदमी अपनी सोच है मैं खुद जब काम नहीं करता था मैं सोचता था कि मैं अमीर लड़के से नहीं बट माय पॉइंट इज आप करवा देंगी वीविंग अगर उनको नहीं करवानी हो फिर तो चलेगा ना। मैं वही बोल रही थी कि जब आप एक प्रोस्पेक्टिव ग्रूम ढूंढ रहे हैं तो आप ऐसा बनना चाहेंगे कि यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग आप भी अपना योगदान दे रहे हैं एंड दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं तो ये मेरा है सेल्फ लव इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो हाँ बट यू नो आई लाइक योर ऑनेस्टी आई लाइक द फैक्ट यू ऑनेस्ट थैंक यू सो मच दैट्स व्हाट आई लव थैंक यू। इसको करने जैसे आपने अपने बड़े अच्छे विचार रखे मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो आपने बैंक बैलेंस की बात कही इसकी कोई अमाउंट की लिमिट रखी है कि इतना तक हो मिनिमम इतना होना चाहिए मिनिमम फिलहाल तो नहीं बट इट माइट इंक्रीज तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सुकन्या शुक्रिया थैंक यू जी भाई साहब राम प्रसाद जी कुछ कहना चाहते हैं। हेलो एवरीवन हेलो सर मेरा नाम रविंद्र प्रताप सिंह है। हाँ जी रविंद्र प्रताप सिंह रविंद्र प्रताप सिंह यस सर तलवार कहाँ है आपकी पंजाब में छोड़ दिया था सर मेरा एक्सपीरियंस है सर मैं मैरिड हूँ मेरा सर जरूरी नहीं कि सर लुक को लेकर ही या फिजिक्स को लेकर ही जो है कैंसिल किया जाता है जी कभी कभी सर वक्त को लेकर भी जो कैंसिल किया जाता है वक्त को लेकर सर जैसे कि मेरी शादी जो है मेरे ससुराल वाले बोल रहे थे कि 2013 में शादी करना है अच्छा और मेरे घर वाले बोल रहे थे नहीं नहीं 2016 में करना है ऐसे क्यों बात कब की रिश्ता कब हुआ था सर 2012 में हुआ था जब दुनिया तबाह होने की खबरें आ रही थी हाँ तो खबरें आ रही थी ना 2012 में दुनिया तबाह हो जाएगी इस चक्कर में तो उन्होंने हाँ कर दी कि कर दो अब दुनिया तक नहीं सर बच गए थे उस समय आपके घर वाले कह रहे थे 16 में करना है हाँ सर और आपके ससुराल वाले कह रहे 13 में हाँ सर और आप सर मैं तो 13 शादी हुई कब आपकी फिर 2013 में हुई 4 दिसंबर 2013 में हो गई यस सर वाइफ को साथ में नहीं लेके आया नहीं यहाँ पे नहीं है क्यों साथ में क्यों लाए अभी प्यार खत्म हो गया आपका नहीं 13 तक की था प्यार है नहीं सर प्यार वो अपनी माँ के गई थी मैं बाइक उठाई इधर आ गया मैं आपके इतना बड़ा फैन हूँ सर आ गया बस आप कह रहे थे वक्त की वजह से भी कई कई लोग मना कर देते हैं
पर फाइनली आपकी शादी हो गई? फाइनली सर शादी मतलब मेरे अंकल ने बहुत एडजस्टमेंट किया, जो है बहुत सबको पटाए घर में, क्योंकि हमारे भैया मम्मी वगैरह कोई रेडी नहीं हो। अंकल फ्रेंडली होंगे ना आपके साथ थोड़े? हाँ सर थोड़ी फ्रेंडली है ना सर, उनकी भी उम्र ज़्यादा थोड़ी है। ज़्यादा नहीं है उनकी उम्र? नहीं अंकल की उम्र ज़्यादा नहीं है, 40 साल के। अच्छा मेरे को लग रहा था अंकल की उम्र ज़्यादा है। नहीं सर। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं यार बाप की ठीक है, मटन खिला देना। 31 है आप? शादी 2013 में कर ली मतलब, और काफ़ी जल्दी कर ली आपने शादी? सर सर दिल लगी गदी तो परी क्या चीज है, फीलिंग तो 16-17 के बाद ही आनी शुरू हो जाती है। ओके मैं अकेले शादी कर ले गए। अकेले नहीं, वन साइडेड लव हो सकते हैं, वन साइडेड शादी क्यों ना हो सकते है? कैसे? मैं क्या करेंगे, मैं 14 फेरे लेंगे, 7 अपने लिए 7 आपके लिए। वन साइडेड फेरे लेगा तो बच्चे कैसे करेंगे? नहीं सेल्फ लव, आप पता क्या देखो हमारी फिल्म सेल्फ लव के ऊपर है, आप उसके बाद सेल्फ लव ही करना। क्या हो रहा है ये? आई थिंक ये लग रहा है। आप इतने खट्टे कपड़े क्यों पहन के आए? इट्स कूल या इट्स वेरी खट्टा? खट्टे डकार ले लो। हमसे क्या खट्टा हो गए कि आपने ऐसा जोक मारा? गुड वन। एक बार मैं भूमि को पहली बार मिला, पता नहीं मुझे अवार्ड मिल रहा था कोई दिल्ली में, भूमि को भी होटल ताज में ना, मैं गया। मैं अब मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि हम तो फिल्मों में देखते हैं तो हमें तो लगता ही कि अरे हम जानते ही होंगे है ना, तो मैं गया तो मैं है भूमि कहती है। नो 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 कपिल नो, वी वर सिटिंग टुगेदर यार, इतना हमने सबका मजाक उड़ाया हुआ, आप रुक ही नहीं रहे थे। मैंने कहा इतनी फैमिलियरिटी, कोई मेरा दोस्त निकला तो किसी को छोड़ा नहीं था कपिल ने। पर आप ये करते हैं, हम मजाक उड़ाते हैं सबका। नहीं नहीं वो तो खुले नहीं, उसी का तो नहीं मतलब, सबसे पहले तुम अपने उड़ाते हैं, मैं और अर्चना जी सबसे बड़ी उदाहरण है हम। यस I want to see आपकी पिक्चर कैसी थी बचपन में, आप कैसे? Really a good one. We should see, हाँ? Actually, आप मुझे आपको देखना, आप कैसे? आप पतले थे, मोटे थे, कैसे थे बचपन? पतला था बहुत। अच्छा। बचपन में इसने फ्रॉक जरूर पहनी होगी, है ना? आंटी जी। आंटी? ये आपको बताया पहनी? आंटी? आंटी? आंटी जी, बचपन में कपिल को आपने फ्रॉक पहनाई थी कभी? कुछ ना कुछ तो होगा मम्मी की बात। बड़े किस्से मेरी माँ के पास। फ्रॉक मम्मी मैंने फ्रॉक पहनी थी कभी बचपन में? नहीं निकर टी शर्ट पहनाई होगी तुझे। तो बड़ी मामी ने जो फ्रॉक भेजी थी कि वो शोको बड़े भाई के लिए। यार मेरी बड़े भाई के लिए मेरी एक फोटो है फ्रॉक में, मम्मी ने बनाई थी मुझे, उनको लड़की चाहिए थी, पता नहीं क्या उनको शौक चढ़ा था मुझे फ्रॉक बना के फोटो खिंचाने। मेरा बड़ा भाई हुआ ना जब पहले हमारे घर में जो है ना, तो बड़ा भाई सबसे पहले वो बैठा है साथ में, तो हाय भाजी। तो आपने पहनी थी फ्रॉक? ये मेरी मामी को पता लगा कि बेबी हुआ घर पे, उनको लगा लड़की हुई, उन्होंने फ्रॉक भेज दी। मेरी मम्मी ने कहा आई है तो पहना दो। तो पहले 3 साल तो लड़की कपड़े में घूमता रहा, और जब इसको छोटा बड़ा हो गया वो फ्रॉक मैंने पहनी। तो होता है आम घरों में अक्सर होता है। और आज तो सारे एक्टर्स जो यहाँ पर मेल एक्टर उनको साड़ियां पहनाकर घुमा रहे हैं। अर्चना जी तो भी 2 साल पहले तक वो ट्रैवल वाले कपड़े पहनती थी। कौन से कपड़े? लुंगी और कुर्ता। मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे सकती हूँ। किस पे? हमारे एक आदमी पे यूज किया है। अच्छा। मिस्टर सुलभ कुमार शौचालय जी फ्रॉम नाला सुपा। आइए आइए सर। मैं और कपिल तक आ जाते 5 मिनट में, इतना क्या टाइम लगा रहे तू आने में? बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है क्या? पहले मेरे बाल बहुत झड़ते थे। बिल्कुल, फिर सपना का इसने जादुई तेल लगाया। आगे बोल, जल्दी बोल, टाइम नहीं इधर। मुझे उस तेल से बहुत फायदा हुआ, जहाँ मेरे एक एक करके बाल गिरता था वो इकट्ठे गिरने लगे। अब या तो मेरे पैसे वापस करो या मेरे बाल वापस करो। ए? क्या बकवास कर रहा है तू इन लोग के सामने? हाँ सपना, मेरे पैसे वापस कर या मेरे बाल वापस कर। क्या बाल वापस कर, थोड़े तो आए होंगे ना तेरे को इधर? ये इधर इधर आए हैं, इधर। हाँ तो सोच, इधर इधर तो आए कम से कम, इधर इधर तो मेरी नानी को भी नहीं आए बाल। अरे वो लेडीज है, लेडीज की इधर बाल नहीं आते हैं। अरे शो का डिफरेंट रहता है, इधर लेडीज जेंट्स रहती है, जेंट्स लेडीज रहता है। क्यों अर्चना जी? मैं उनकी बात करी, मेरी नहीं। हाँ तू टेंशन मत ले, मेरे पास ये नहीं तो एक अलग तेरे लिए एक लेप लाई लिए, ये मैंने खुद बनाया घर पे। माय दादाजी वैद्य थे। ओह गॉड,
ये लेप लगाने के बाद एकदम ठीक हो जाएगा। वाह सच्ची? अरे तो देख 10 मिनट में सारे बाल आएंगे। भाई ये पुदीने की चटनी लग रही है मुझे। हाँ। ओह गॉड। ओह गॉड। इधर तक लगाएंगे ना डेंस हेयर आता है। डेंस। लगाओ लगाओ। डेंसिटी। एकदम। हाँ। इतना बदबू को काई को आ रहा है। अरे चूहे की लेंडी से बना है ना। हाँ। इसमें फ्रेश लेंडी जो निकलती है उसको हम लोग एकदम मसल के बनाते हैं। एक बात बताओ, कहाँ चूहा पकड़ते हो, उसका वेट करते हो, कब वो करेगा? कितना मेहनत है वही समझा रही मैं। How do you do it? अरे तो कुछ नहीं सर, इसमें कम से कम 500 मच्छर रहते हैं ना, उनका थूक भी मिला हुआ है। चीटी की फाट एंड बहुत बहुत सारी चीटी की। अभी तो मैंने लोमड़ी की टट्टी नहीं डाली, नहीं तो तू देखता। साफ करो इधर से। इसको ऐसे नहीं साफ करने का है कुछ नहीं। तू एक चिड़िया घर में जा, ठीक है? उधर जो बड़ा वाला मगरमच्छ रहेगा, उसको सैड स्टोरी सुनाने का, फिर जैसे वो रोएगा ना, उसके आंसू से बाल धोने का, तब भी बाल आएंगे। नहीं तो नहीं आ सकते। ऐसे नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन है, मैं तेरे को झू का एड्रेस देती है, अनिल कपूर जी के घर जाने का, और उनका झूठा खाना खाएगा ना, तो घुटने के पीछे से भी बाल निकलेंगे। ऐसे